सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली आज है 19th मे। सो एक्चुअली यस्टरडे आई मेट एन एक्सीडेंट विथ माई कार। सो पीछे में एक ट्रक हिट किया था। एक्चुअली कल बारिश हो रहा था इधर, तो शाम का टाइम था, ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे। मैं हाईवे पे ही था, मेरे सामने एक स्विफ्ट था, तो वो एक्चुअली सडन ब्रेक मारा। क्यों मारा मुझको मालूम नहीं, आई थिंक शायद कोई आ गया और मतलब कोई रीज़न होगा आई थिंक, तो इसलिए सडन ब्रेक मारा। तो एकदम सा सडन ब्रेक मारा और मैं ऑलमोस्ट, मेरा स्पीड था नियरली 40 के आसपास। सो मैंने भी सडन ब्रेक मारा, लेकिन ऑलमोस्ट टच होने वाला था मेरा गाड़ी, बट हाँ मैंने किसी तरह रोक लिया। सो मतलब ब्रेकिंग ठीक ठाक है मेरा गाड़ी का। सो ऑलमोस्ट मैंने रुक गया था, मतलब टच नहीं हुआ था स्विफ्ट को, बट मेरे पीछे एक ट्रक था, वो 6-व्हीलर वाला ट्रक, उसका फ़ोटो भी है, मैं फ़ोटो दे दूंगा वीडियो पे। सो वो ट्रक एक्चुअली आके पीछे से मुझको हिट किया और मैं ड्रैग होते गए, सामने जो स्विफ्ट है वहाँ पर भी टच हुआ था मेरा गाड़ी। तो मतलब मेरा जो गाड़ी का डैमेज है, सामने भी हुआ है, पीछे भी हुआ है, पीछे ज़्यादा हुआ है, सामने थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब पीछे में जो बूट है टोटली डैमेज हो गया और पीछे का जो बम्पर है वो भी। सो दिस इज़ द थिंग। जो ट्रक था वो भी मतलब उतना ज़्यादा स्पीड में नहीं था, उसका लगभग वो 30-40 का स्पीड था, बट हाँ जो बारिश का टाइम था ना, इसके लिए जो है रोड भीगा हुआ था। सो वो मतलब वो जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने भी कोशिश किया, बट मतलब जो है रोकना नहीं पाए जो ट्रक को। सो मैं एक बार दिखा देता हूँ डैमेज क्या हुआ है मेरे गाड़ी को, बट हाँ थैंक्स टू टाटा। बट मतलब ट्रक से हीट होने के बाद भी जो है देखो इंटरनल कोई भी डैमेज नहीं है। सो दिस इज द डैमेज हुआ है, देखो जो है इधर जो कैमरा बाहर निकल गया है, इतना सा ही डेंट है। पर मैं बूट खोल कर दिखा देता हूँ, देखो इधर देखो बम्पर पे भी डैमेज आया है, ये बम्पर में डैमेज आया है और ये जो इधर एक फाइबर पार्ट है इधर में भी डैमेज आया है। इसका जो अलाइनमेंट है थोड़ा सा हिल गया, देखो इधर से थोड़ा बाहर आ गया, तो इसका अलाइनमेंट मतलब जो ट्रक था राइट साइड से हिट किया था, सो इसके वजह से। और इधर का कुछ मतलब दिक्कत नहीं हुआ है, इधर का बम्पर मतलब आई थिंक बम्पर जो है पूरा ही यू कैन से की डैमेज हुआ, और ये पार्ट और जो बूट का पार्ट है। बट हाँ ये जो मेरा रियर व्यू कैमरा है ये अभी भी काम कर रहा है, बट हाँ ये जो है थोड़ा नीचे चला गया। दिस इज द थिंग, पेंट उतर गया, टाटा का पेंट उतना अच्छा नहीं है, तो देखो दिस इज द थिंग। एंड सामने जो डैमेज आया है इधर का, इधर भी थोड़ा स्क्रैच आया, और ये भी मतलब जो ट्रक था, ट्रक में एक जो होता है ना सामने बुल बार जैसा ऐसा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डैमेज आया मेरी गाड़ी पे। और सामने में ये चीज़ है, इधर भी डैमेज आया, मतलब ये सब स्क्रैचेस यू कैन से। और इधर बम्पर जो है थोड़ा अंदर में चला गया, और जो स्विफ्ट था, स्विफ्ट का एक्चुअली बम्पर में थोड़ा सा डैमेज आ गया था, बम्पर एक साइड से खुल गया था, बट हाँ वो ड्राइवर मतलब रुका भी नहीं, उसका मतलब ज़्यादा गलती है, तो मतलब जब मैं हिट किया तो वहाँ से भाग गया था। सो दिस इज़ द थिंग। सो यही सारी डैमेज है, और मैंने जो है ऑनलाइन पे जो क्लेम रजिस्टर करना पड़ता है, तो मैंने क्लेम भी रजिस्टर कर लिया ऑनलाइन पे, क्योंकि मैंने मेरा जो गाड़ी का इंश्योरेंस है फास्ट वर्ड इंश्योरेंस 0 डेप, वो मैंने पॉलिसी बाजार से लिया था, क्योंकि मेरा जो गाड़ी का मतलब इंश्योरेंस है पॉलिसी बाजार से लिया था, तो इसके लिए मुझको खुद को ही जो है क्लेम करना, मतलब ऑनलाइन क्लेम रजिस्टर करना था, तो वो भी मैंने कर लिया। अभी तक के लिए जो है फीडबैक अच्छा है, जो डिजिट का मतलब जो सर्वेयर आने वाला है वो भी मुझको कॉल किया था, जैसे गाड़ी आप दे मतलब दे दिया या नहीं, मैंने बोला अभी देने जाऊँगा। और ऑलमोस्ट अभी 12:24 दोपहर का हो रहा है, और इधर अभी गर्मी भी मतलब बहुत है। सो गाड़ी में एज सच और कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ
थैंक्स टू टाटा फॉर दैट द बिल्ड क्वालिटी आई वुड से। मतलब अगर मारुति होता तो मतलब ये तो सीओडी था, जो पीछे का जो विंडशील्ड था वो टूट जाता, बट या थैंक्स टू टाटा। सो अभी मैं देखता हूँ इसका क्या एक्सपीरियंस क्या होता है क्या नहीं। सोचा था गाड़ी मेरा देखो अभी 6000 चल चुकी है, तो मैंने सोचा था हाँ एक नॉर्मल सा अभी यूज़र रिव्यू दूंगा। सो बट क्या हो गया अनफॉर्चुनेट थिंग्स, बट या ये मेरा जो है लाइफ का पहला एक्सीडेंट है, तो और मैं मतलब गॉड से यही प्रे करूँगा कि ये मेरा आखिरी एक्सीडेंट हो, मतलब जो है गाड़ी का डैमेज ऐसा कुछ, मतलब ये जो गाड़ी है मेरा दिल का बहुत करीब है, तो बट ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही दुख आता है ना, तो दिस इज़ द थिंग। सो अभी के लिए मैं जो है क्लेम रजिस्टर भी कर दिया, और जो जो चीज़ था मेरे एंड से करना तो कर दिया। तो अभी जो है जो काम है वर्कशॉप में मैं टीसी मोटर सलोप पे दूंगा, और जो इंश्योरेंस सर्वेयर और जो इंश्योरेंस कंपनी का है उसका है, तो देखता हूँ क्या होता है। आज है 19th में, मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था 18th मे को हुआ था, बट मैं ये वीडियो अभी पोस्ट नहीं करूँगा, मतलब गाड़ी एकदम से एटलीस्ट ठीक ठाक हो जाए इसका मतलब मैं देख लूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा। तो नियरली 10 दिन के बाद, क्योंकि टीसी मोटर्स ने बोला 10 दिन के आसपास टाइम लगेगा। सो दिस इज़ द थिंग। सो थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ। बट हाँ एक चीज़ और, जो ये क्यूबो का डैश कम है ना, एकदम सा मतलब क्या बोलूँ, मतलब कैमरा ठीक ठाक है, जो ऐप है ऐप का जो कनेक्टिविटी है मतलब एकदम घटिया है, मतलब इसका ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊँगा, अभी ये सब का मूड नहीं है मेरा। तो जो ऐप का जो कनेक्टिविटी है एकदम घटिया है, मतलब मैं क्या बोलूँ एकदम घटिया, मतलब थर्ड क्लास यू कैन से। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने ऐप से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, मतलब कनेक्ट हो ही नहीं रहा था, मतलब कितना सारा मतलब ऑलमोस्ट 10-15 बार ट्राई किया बट कनेक्ट ही नहीं हुआ। सो इसके लिए फुटेज भी नहीं आया जो कैसे क्या हुआ, नहीं तो मैं अगर हो सकता तो वो चीज़ भी शेयर करता। सो मुझको मजबूरन ये चीज़ फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा, उसके बाद वो ऐप से कनेक्ट हुआ। सो ये एक मेन ड्रॉबैक है ये कैमरा का। सो इसके लिए अगर हो सके तो ये कैमरा मत लेना, मे बी जो DDMI ऐसे करके कुछ है वो आप ले सकते हो। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, आप गाड़ी लेके जब निकल रहे हो मतलब हर बार आपका टाइम नहीं होगा कि हाँ ऐप से कनेक्ट करके उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकलूँ। सो दिस इज़ द थिंग। मैं एक दो बार मतलब महीने में और या 2-3 महीने में एक बार मैं देखता था, उस टाइम पे कभी कभी कनेक्ट होता था कभी कभी नहीं होता था, बट हाँ इधर जो चीज़ है वो है मतलब इधर जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है इधर डैश कैम फुटेज का उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी चीज़ में डैश कैम फुटेज का ज़रूरत होता था तो मेरा तो लग जाता पूरा। सो दिस इज़ द थिंग। मैं इसके ऊपर वीडियो बाद में बनाऊँगा। सो दिस इज़ एज ऑफ नाउ। थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ। और क्या क्या होता है क्या नहीं एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर करूँगा बाद में। सो या थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सेफ ड्राइव। सो या